अपने इलाके से खास वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक क्लिक कीजिए। मकान ट्रैक्टर मकान पक्के बना है, जो अच्छे खाते पीते हैं उनको सब कुछ बनाते हैं साहब। बस कार्य में बहुत परेशानी आती है, घर मकान गिरते हैं तो उठाते गिर भी जाते हैं, और बच्चों की शादी आती तो मिटा भी देते। मकाने में को करेगी शादी, बताओ, अपने पेट पालने के मंजूरी में है भाई। बाहर जाते तो बेट कमाते हैं, बच्चे को खिलाते हैं, कहाँ कमा के करेंगे बताओ। ऐसी परेशानी में बहुत भूखते हैं। हरदार ने लेटरिंग नहीं, कुछ नहीं आता है, ये बोलते कि बना दे प्रधान से कहते कई पैरी खड़ गई। आप लोगों ने प्रधान से बोला है कभी की आवाज? हाँ, बोला है आवादी साहब के हमको बनवा दो कुछ, तो भी सुनते हैं कि हाँ बनवा दे, कुछ नहीं बनवाते हैं साहब, बहुत साल हो गई हैं। आपके गांव में ऐसे कितने परिवार हैं कि जिनके पास आवास भी नहीं है और कुछ जमीन भी नहीं है? अब जमीन तो 15 परिवार वास्तव में 15-20 भी हो सकत, और आवास में तो ऐसी है कि इतने की जमीन मान लो जो है चली गई डूब में, गरीब आदमी है, आदिवासी ज्यादा है, हरजन आदिवासी ज्यादा है, पिछड़ा वर्ग भी ज्यादा है, तो मान लो आवासन की तो जरूरी है ही। अब गणना नहीं करी कि कितने मान लो जरूरी है का मान लो हिसाब से। आपके गांव की आबादी कितनी है? 5,000 के लगभग। क्या 5,000 के लगभग की आबादी के हिसाब से आपके लिए आवास मिल रहे हैं? नहीं, 5,000 की आबादी के हिसाब से तो नहीं मिल रहे। आपने मांग की है? मांग की है। कब की थी आपने मांग? मांग को प्रधानमंत्री आवास की सूची दे दी, मुख्यमंत्री आवास की सूची दे दी, और कछु सूची जो 2011 की है मान लो जो है वही में जो 34 बने हैं। गांव सनवाहा वो आवास को लेकर जानकारी लेने के लिए आई थी, तो वीडियो साहब ने साफ मना कर दिया कि मैं इसमें कोई जानकारी नहीं दे रही। जब अधिकारी नहीं जानकारी देगी तो फिर कौन देगा?